बाहर की गंदगी से मेरा घर गंदा नहीं होगा। ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। क्या करेंगे? तुम्हारे घर वाले तो मुझे घर से बाहर निकाल लेंगे। डोंट वरी सिद्धार्थ। डोंट वरी मैं कुछ। सिद्धार्थ तुम मोहिनी के साथ रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर आती हूँ। डॉक्टर? आई मीन डॉक्टर की क्या जरूरत है, स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे। थोड़ा रेस्ट करेगी ठीक हो जाएगी। तुम क्या कह रहे हो, मोहिनी प्रेग्नेंट है, बात सीरियस भी हो सकती है। मैं हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला कर आती हूँ, एक बार वो आके चेक कर ले कि मोहिनी और उसका बच्चा ठीक है कि नहीं। फैमिली डॉक्टर आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हमारी पोल खुल जाएगी। माँ मैंने इन्हें मोहिनी का चेकअप कराने के लिए बुलाया है। जी डॉक्टर साहब, मोहिनी प्रेग्नेंट है, अच्छे से चेकअप कीजिएगा उसका। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, डॉक्टर ने चेक किया तो दो मिनट में समझ जाएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। मोहिनी की पोल खुलेगी, साथ में मेरा सेट भी फंस जाएगा। आइए सर, वो अपने कमरे में ही है। रुको कृष्णा। प्रिया तुम डॉक्टर साहब को मोहिनी के कमरे में लेके जाओ। नहीं नहीं, पिया क्यों लेके जाएगी, उसको क्या समझ आएगा, डॉक्टर क्या बताएंगे। मैं हूं ना, मैं लेकर जाती हूं इन्हें। आइए। सच सच बताओ, तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ये मोहिनी तो बेवकूफ है, तू तो अक्लमंद है। फैमिली डॉक्टर को कौन बुलाता है, ये झूठ थोड़ी बोलेगा हमारे लिए। रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। बोलो क्यों छुपाया मुझसे? माँ वो क्या? वो माँ कृष्णा तुम भूल गई, सच उगते सूरज की तरह होता है और झूठ काली रात की तरह। काली रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सच के उगते सूरज को नहीं रोक सकती। सॉरी माँ, आपसे छुपाना पड़ा, हमें पता था कि आपको बुरा लगता है, इसीलिए हमने किसी को नहीं बताया। और हमने सोचा था कि एक बार मोहिनी का बॉयफ्रेंड मिल जाए फिर सबको बताएंगे। पर वैसे भी मुझे लगता है कि मोहिनी को फिलहाल हमारी मदद की जरूरत है। क्यों कृष्णा क्यों? जाने दो ना उसे, छोड़ दो, वो वापस लंदन जाए, उसे जो करना है वो करे। राशि बिल्कुल ठीक कह रही है, एक बिन ब्याही माँ की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान बात नहीं। कोई भी ऊंच नीच हो जाए तो हमारे परिवार की बदनामी हो जाएगी। कल को इसने हम पर इल्जाम लगा दिया तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर साहब सब ठीक है? बच्चा ठीक है? माँ और बच्चा दोनों ठीक है। मुझे इनके कुछ टेस्ट करने होंगे, मेक श्योर कि ये प्रेग्नेंट है और इनका बच्चा भी ठीक है। मैं इनके ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर रिपोर्ट्स आपको भेज देता हूँ। आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर, हमने उनकी पुरानी रिपोर्ट चेक की है। रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम होगी, हमें इनका फिर से टेस्ट करना चाहिए। अजी बेहोश हुई है, मुझे तसल्ली करनी होगी। मेरा पूरा प्लान फेल हो गया, अब कृष्णा और आर्यमन को पता लग जाएगा कि मैं माँ बनने का झूठा नाटक करके उनको फंसा रही थी।
डॉक्टर एक बार आई थिंक आप उनकी पुरानी रिपोर्ट चेक कर लें, एक बार आप वो देख लेंगे तो शायद आपको नई रिपोर्ट्स देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। उसको बस रेस्ट की जरूरत है और पॉसिबल है तो उसे किसी तरह का स्ट्रेस मत लेने दीजिए, वरना बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन हम तो उसे वापस भेजने जा रहे थे, ऐसे कैसे वापस भेज देंगे, उसका काम खत्म थोड़ी हुआ है। कौन सा काम? क्या कह रही थी मैं, वो म्यूजिक का काम, चार बनने आई थी ना वो यहाँ पर, आर्यवन तुम ही तो लॉन्च कर रहे थे ना उसे, कृष्णा ने इसीलिए तो रोका था उसे, उसी काम की बात कर रही हूँ। अब वो प्लान चेंज कर लिया हमने, एज अ सिंगिंग स्टार हम अब रेनुका को लॉन्च कर रहे हैं, दैट्स द फाइनल थिंग। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, उनके लिए किसी भी प्रकार का एक्सर्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनफैक्ट उन्हें कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट लेना चाहिए, बाकी मैं कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से चेक करने के लिए आ जाऊंगा। जूस पी लेना और फिर दवाई भी ले लेना। थैंक यू दीदी मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। हाँ ख्याल रखना ही आता है मुझे, इस्तेमाल करना नहीं, और वैसे भी मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने परिवार में शांति बचाए रखने के लिए किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तक तुम्हारा ये रिपोर्ट नहीं आ जाता कि इस बच्चे का पिता कौन है, तब तक घर में किसी को भी पता चले कि उस दिन रिसोर्ट में क्या हुआ था। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? माफी? कुछ गलती की माफी नहीं होती, सजा होती है, क्योंकि कई बार गलती करने से सजा ना मिले ना तो वो एक आदत बन जाती है। माफ तो मैं भी नहीं करूंगी तुम्हें कृष्णा, इसलिए तो ये सब कर रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है तुम मुझे सजा दे रही हो, नहीं सजा मैं तुम्हें दे रही हूँ, और तुम्हारी सबसे बड़ी सजा ये है कि तुम्हारा और आर्यमन का रिश्ता तोड़ दूंगी मैं, और फिर तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी, फिर मैं और सिद्धार्थ शादी करके इस घर में हमेशा खुश रहेंगे। क्या सोच रही हो, कुछ है क्या दिल में? हमारे द्वारका में कहते हैं अगर इंसान समय पर बुरी आदत ना बदले ना तो एक दिन वो बुरी आदत इंसान का समय बदल देती है। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझ पर भरोसा करती है ना। भरोसा है तुम पर, और इस बात पर भी भरोसा है कि झूठ और फरेब चाहे कितनी भी तेजी से क्यों ना भागे लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। सोचना इस बारे में, और हाँ जूस पी लेना। कहना कि अब मैं तुमसे तभी मिलने आऊंगी जब तुम्हारे पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए। ब्रेकफास्ट लग गया है। सुबह सुबह कुंदन कहाँ चला गया? वो मम्मी जी रूटीन ब्लड चेकअप के लिए गए हैं। अरमन 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 क्या है ये? क्या है भाई साहब? मेडिकल रिपोर्ट है भाभी। किसकी रिपोर्ट है? आपके लाडले अरमन की, जो हमारा नाम रोशन करने पर तुला। मैं आज हॉस्पिटल गया था अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, हमारे रिसेप्शनिस्ट ने मुझे इसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। आर्यमन क्या हुआ बेटा, तूने ब्लड टेस्ट कराया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है भाभी इसकी, लेकिन दिमाग खराब हो चुका है इसका। इसे समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या हो गया भाई साहब, क्या गलती हो गई आर्यमन से आप जो इतना गुस्सा कर रहे हैं? भाभी गलती नहीं की है, गुनाह किया है, पाप किया है इसने। इसने फिर से हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का पूरा इंतजाम कर दिया। आप सब लोग जानना चाहते थे ना कि मोहिनी के बच्चे का बाप कौन है? तो ये है आर्यमन मेहता, मोहिनी के बच्चे का बाप है।
सकता। माँ ये सच है और ये है इसकी मेडिकल रिपोर्ट। नहीं 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 भाई 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 साहब, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा आर्यमन ऐसा कर ही नहीं सकता। आर्यमन बोलना बोलना, ये सब झूठ है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। कृष्णा माँ बने उसके लिए जो प्रसाद का लड्डू आप लेकर आई थी, वो लड्डू तो इस मोहिनी ने खा लिया था ना। देख लो अब फल भी इसी को मिल गया। भगवान के लिए चुप हो जा। अगर मेरे चुप रहने से आर्यमन का पाप छुप जाता तो मैं चुप रह जाती, आपकी कसम। लेकिन जब ये सच दुनिया के सामने आएगा तो दुनिया को कैसे चुप कराएंगे आप? मोहिनी तेरे हाथ जोड़ती हूँ कि अपने गंदे खेल खेलना बंद कर। तू ही कोई चाल चलकर मेरे बेटे को फंसा रही है। मैंने कोई चाल नहीं चली है। मैं तो खुद चाहती थी रिपोर्ट में आर्यमन का नाम ना आए, पर सच को तो छुपा नहीं सकते ना। और मैं सच को कितना भी छुपा लूं, रिपोर्ट में तो सच ही आएगा ना। और उस दिन आर्यमन जिस रिसोर्ट में गए थे, मैं भी कोइंसिडेंसली वहीं गई थी। और फिर मान सकती है, तू तो जानती है ना आर्यमन को कितना प्यार करता है तुझसे। तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, तू जानती है। मुझसे भी लड़ लिया था वो तो, पर तू ये सब कैसे मान सकती है कृष्णा? हाँ बेटा, तू थोड़ा आर्या पे भरोसा रख। रिश्ता निभाने के लिए पूरी जिंदगी का प्यार लग जाता है और तोड़ने के लिए सिर्फ एक गलतफहमी। हाँ दादी, पर अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। सच सबके सामने आ गया है और मुझे हरी मां सर से सलाह चाहिए। कृष्णा, ये क्या बोल रही है तू? तूने ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाले कैसे? कृष्णा बेटा, कैसी बातें कर रही हो? इतना बड़ा फैसला बेटा, एक बार दोबारा सोच लो। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल कर रख देते हैं। और मैं फैसला ले चुकी हूँ। कृष्णा, तू ये सब मान भी कैसे सकती है? ये सब रिपोर्ट झूठी है बेटा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ का विश्वास कह रहा है कि उसका बेटा ऐसा नहीं है। आर्यमन, आर्यमन तू कुछ बोलना कि इसमें तूने कुछ नहीं किया, तेरी कोई गलती नहीं है। बोल बेटा बोल। मैं झूठ नहीं बोल सकता ना, उसे गलती हुई है। गुनहगार हूँ मैं कृष्णा का। मानना नहीं चाहती थी माँ, इसीलिए आप सबने जब मुझसे कल पूछा कि मोहिनी के बच्चे का पाप कौन है, तो मैंने आप सबसे ये बात छुपाई, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस रिपोर्ट में हरिवंश सर का नाम नहीं आएगा। कृष्णा, मैं मानती हूँ तेरा दिल दुखा है बेटा, तुम्हारे समय से सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। दिल की चोट दिखती नहीं है, बहुत गहरी होती है। तो ऐसे सोच भी कैसे सकती है कृष्णा कि हरिमन तुझे दुख देगा, किसी और को भी दर्द देगा, तुझे ऐसा दर्द इससे तू टूट जाए? तुम दोनों का रिश्ता तो अनमोल है बेटा, घर छोड़ के जाने की बात मत कर। रिश्ता अनमोल था माँ, लेकिन अब हमारे रिश्ते की बनावट ऐसी है कि बाहर से ही प्यार दिखता है पर अंदर से धोखे की मिलावट है। और
मिलावट की तो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। जिंदगी भर रिश्ता कैसे निभाएंगे? कृष्णा बेटा, तुम दोनों के दिल, तुम दोनों के सांसें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है बेटा। हाँ दादी, सांसें और विश्वास दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सांस खत्म तो जिंदगी खत्म, और विश्वास खत्म तो रिश्ते खत्म। इसलिए आर्यमन सर और मुझे अलग होना पड़ेगा, ताकि मोहिनी पे दाग ना लगे, उसके बच्चे को नाजायज होने का नाम ना मिले। आर्यमन सर को मोहिनी से शादी करनी होगी। इन्होंने जो पाप की है उसका प्रायश्चित भी इन्हें खुद ही करना होगा। जिम्मेदारी उठानी होगी इस गलती की। लेकिन क्या दादी, कौन है मोहिनी का यहाँ पे? ना उसके माँ बाप है, ना कोई रिश्तेदार है, ये लंदन से आए हैं। अगर हम इसके साथ कोई अन्याय करेंगे हम खुद खुश नहीं रह पाएंगे। सोचिए हमारे घर की इज्जत का क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं बेटा, माना कि आर्या से गलती हो गई है, कि तू इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। और आर्या और मोहिनी की शादी कभी नहीं हो सकती। मोहिनी के बच्चे का क्या करना है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं कह रही हूं मोहिनी कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। गंदे गंदे खेल खेल कर मेरे बेटे को फंसा रही है खाली। खेल? ये क्या कह रही हैं आप? और बच्चे का क्या करना है वो बाद में देखेंगे, इसका क्या मतलब होता है? आर्यमन ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, उसने पाप किया है, पाप। वो ऐसे इस बच्चे से मुंह नहीं मोड़ सकता। और आप ये बात कैसे कह सकती हैं? आप, मैं, मम्मी जी, हम सब माँ हैं, और एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है ये आपसे और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? इसलिए एक माँ और एक औरत होने के नाते मैं कृष्णा के फैसले के साथ हूँ। आर्यमन को मोहिनी से शादी करनी होगी। हाँ, और मैं खुद इनकी शादी कराऊंगी। और फिर हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। बस करो कृष्णा, प्लीज बस करो। मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुमने तो कहा था ना रिश्ता जरूरी है, तो इंसान को गलती भूल जानी चाहिए। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि अगर गलती बड़ी है तो रिश्ता भूल जाना चाहिए। मुझसे गलती हुई है कृष्णा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। मैं उसके लिए तुम्हें सजा नहीं दे सकता कृष्णा। अच्छा, सजा नहीं दे सकते पर धोखा जरूर दे सकते है ना? ये मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है कि इन सब में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। आपकी एक गलती ने जिंदगी भर के लिए मेरी किस्मत में दुख लिख दिया है। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता खो दिया है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि सच यही है कि किसी भी रिश्ते में आपकी हैसियत क्या है वो तब पता चलता है जब आपको वहां से ठोकर मिलती है, जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा किया था। कृष्णा, आर्यमन की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा, माफ कर दे मुझे। आर्यमन को इस घर को तेरी जरूरत है बेटा, इस घर को छोड़ के मत जा। माँ प्लीज प्लीज मुझे इस पाप का भागीदार मत बनाइए। एक मासूम बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं है, उसे उसके पिता का नाम ना मिले, और जिंदगी भर उसे दुनिया के ताने सुनने पड़े कि वो किसी की गलती की वजह से इस दुनिया में आया है। तो मुझसे नहीं होगा माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप ये सोचिए कि
आपको आपका पोता या आपकी पोती मिल जाएगी। हाँ, ये खुशी मैं आपको नहीं दे पाई, पर बच्चा तो इनका है ना कृष्णा, और वो बच्चा अपनी प्यारी दादी के प्यार के बगैर तो नहीं बना होना चाहिए।